प्यारे साथियों, अभी का जो सेशन है वो क्लास टेंथ की है और 10 बजे से डेली क्लास टेंथ की लाइव क्लास की जाती है और इस लाइव सेशन में क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यानी त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में यानी ट्री का जो सेशन क्लास टेंथ की ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोण मिति, ठीक है। त्रिकोण मिति तो त्रिकोण मिति का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा और त्रिकोणमिति का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा और त्रिकोणमिति का हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन हम पिछले दिन देखे थे और डेली रात के 10 बजे क्लास टेंथ की ऑनलाइन क्लास आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पर डेली होती है और जो भी नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए बीच में शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। तो आइए क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो हमने कल क्वेश्चन देखा था कुछ कुछ क्वेश्चन कल देखा था उसके बाद से
तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वेट करना पड़ा। तो आइए क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो आज फिर से हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन है कॉस थीटा इक्वल टू 3 5। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर व्हाट, साइन थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका 3/5 दिया गया है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल होता है b/h। कितना होता है, b/h होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है। ठीक है, तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो b का मान 3 है और h का मान कितना है, 5 है, यानी b का मान कितना है, 3 है और h का मान कितना है, 5 है, और h का मान कितना है, 5 होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी b का वैल्यू कितना है, 3 है और h का वैल्यू कितना है, तो निकालना किसका है वैल्यू, तो निकालना है p का। तो p बराबर फॉर्मूला हमने देखा कि p बराबर होता है √h² - b² ठीक है, h² - b² और h का वैल्यू कितना है, यानी h का वैल्यू कितना है, 5, तो हो जाएगा 5² - b का वैल्यू कितना है, 3, यानी 3² तो ये कितना हो जाएगा, 5² कितना होता है, 25 होता है और 3² कितना होता है, 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, यानी p का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, p/h p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4/b का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी 4/3। अब साइन थीटा पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी p का वैल्यू कितना है,
तो पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू कितना है? 5 है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटे एच, यानी पी बटे एच का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है? यानी पी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू कितना है? तो एच का वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना है? 2 16 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब ये दोनों में एलसीएम कितना आएगा? 25 एलसीएम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 41/25। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। और कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो वैल्यू किसका कह रहा है निकालने? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, साइन थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये तीनों का वैल्यू कह रहा है निकालने। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू निकालने कह रहा है और साइन थीटा का वैल्यू निकालने कह रहा है और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम चूंकि जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? बी बटे एच। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू 3 हो गया और एच का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 3 हुआ, एच का वैल्यू 5 हुआ, तो आपको पता है कि बी मालूम हो चल गया, एच मालूम क्या नहीं है? पी मालूम नहीं है। तो हमको पी मालूम करना है, तो पी का फॉर्मूला हम पिछले दिन देखे थे। पी बराबर होता है √h² - b² क्या होता है? √h² - b² ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। और 3 का स्क्वायर 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 होगा, और 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 का रूट 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? पी बटे बी। टेन थीटा बराबर कितना होता है? पी बटे बी। बी का वैल्यू हम कितना निकाल लिए? 4। बी का वैल्यू कितना निकाल लिए? 4। तो कितना हो जाएगा? 4। और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3, यानी 4/3। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो पी बटे एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी पी का वैल्यू कितना निकाले थे? 4। और एच का वैल्यू कितना निकाले थे? 5, यानी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 को 1 लिख दिए, प्लस को प्लस लिख दिए, और बात रहा साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बटे एच। साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बटे एच, यानी पी बटे एच का होल स्क्वायर। 1 की जगह पे 1 है, प्लस की जगह पे प्लस है, पी का मान कितना है? 4/5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, और दोनों एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा कितना? 25 प्लस 16, यानी 41/25। यही क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू सात बटे आठ।
सात बटे आठ क्या होगा, कितना कॉट थीटा इक्वल टू, और इसमें वैल्यू कह रहा है निकालने किसका, तो वैल्यू कह रहा है निकालने वन वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस वन प्लस साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा का, ठीक है, यही निकालना है आपको। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है यानी बी बटे पी, कॉट थीटा कितना होता है बी बटे पी, तो बी का मान कितना हो गया सात हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया सात हो गया, और पी का वैल्यू कितना हो गया आठ हो गया। तो हम क्या किए, एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, और एच का वैल्यू निकालने के बाद उसको हम उस पर पुट करेंगे, करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस विधि से हम लोग नहीं बनाएंगे, इस विधि से हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे जरा सा ध्यान देंगे। यानी ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में कॉट थीटा का वैल्यू गिवन कितना है सात बटे आठ, यानी सात बटे आठ का होल